दिल्ली के जानकार के रूप में हमारे साथ एके मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। दिल्ली के हालात, मिश्रा जी आप दिल्ली के हालात देख रहे हैं, कभी दिल्ली जो हम लोगों ने परिकल्पना दिल्ली की थी, आज वो दिल्ली डूबी हुई नजर आ रही है। हम दुनिया के तमाम बड़े शहरों से इसकी तुलना करते थे, कभी इसको शंघाई से तुलना की जाती थी, कभी इसकी लंदन से तुलना की जाती थी, कभी किसी और बड़े शहर से तुलना की जाती थी, लेकिन इस दिल्ली की क्या हम लोगों ने कभी परिकल्पना की थी जो डूबी हुई दिल्ली हम लोग देख रहे हैं। मिश्रा जी, देखिए, दिल्ली है, देश का दुर्भाग्य है कि लगभग 60-70 साल बीत जाने के बाद भी, बात केवल दिल्ली की नहीं है, सब जगह अगर जरा सा भी बारिश एक्स्ट्रा हो जाए तो जल भराव हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे मैं ये करूँ, हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, सरकारी मुख्यमंत्री है, और भारत के इतिहास में पहली बार बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वर्ल्ड लेवल का सिस्टम बना दिया तो उन्होंने क्लेम किया कि मैंने बना दिया, किसी फ्री की तो उन्होंने क्लेम किया कि मैंने फ्री की, ये फ्री किया वो किया, ये सुविधा दी वो सुविधा दी। अब अगर बाढ़ मैनेजमेंट की बात आती है तो वो लोग भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान को दोष की दे रहे हैं, वहां की सरकार है चाहिए कि हाँ भाई देखो ये आई है, मैनेज कर रहा हूँ, कम या ज्यादा हो रहा है, ये स्केप करने का आदत है कि स्केप करना, बाढ़ आना ठीक है भगवान के हाथ में है, हम उसमें कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन मैनेजमेंट जो होता है सरकार का वो तो दिखना चाहिए। अरे नहीं कुछ हो तो आप करता है वो तो सड़क चाहिए, जितना कंट्रोल हो सकता करना चाहिए, डैमेज कंट्रोल चाहिए, आप इसे भगवान के ऊपर, ये तो भगवान की देन है, कहाँ मलाई खाना है, जब जो मलाई वाली चीज है वहां भगवान भगवान नहीं, वहां ही भगवान का विरोध करेंगे, ये नास्तिक बन जाए, और जहां अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी है ये दूसरों के ऊपर। अभी एक सज्जन थे कांग्रेस के थे शायद, वो बोल रहे थे कि फ्रांस में बैठे हुए हैं, अरे भाई आपके घर में पानी घुसा, नल की टोटी खराब हो गई तो इस देश का प्रधानमंत्री सारे राजनीतिक रद्द करके आ जाए, घर की टोटी सही करे, अपने ना बोलो ना, आपके घर में पानी घुसा तो अपने गाँव को क्या कर, आपके घर को तो क्यों नहीं ये जिम्मेदारी जी। जी मिश्रा जी, जी विपक्ष के नेता है तो उम्मीद कर सकते हैं